हेलो दोस्तों, स्टार भी एग्जाम ट्रिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक रेलवे की पल पल अपडेट के लिए सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं आज 29 दिसंबर का पहले शिफ्ट का पेपर कैसा बना है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए आप लोग जब तक शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को रेलवे की पल पल अपडेट नहीं मिल पाएगी। तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे चैनल में क्या है आगे का प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें रेलवे NTPC एग्ज़ाम 2020 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं किस प्रकार का, किस टाइप का, बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया है, बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप इसको देख कर जाइएगा हमारे वीडियो के माध्यम से। और आप मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ के ही जाइएगा, इसमें बच्चे लगभग 75 से 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आ रहे हैं। तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते रहिए, और 70 से 80 नंबर करके आइए आप लोग, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं आप इसको। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, RRB NTPC CBT 1 एग्जाम 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करें। इसमें पूछा गया तेलंगाना का राज्यपाल, तो हमें सभी का राज्यपाल और राजधानी पता कर लेना है और कौन कौन से है, वह बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया है। इससे एक नंबर फिक्स है आपके, हर शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसोई सरोज रंजन जी है। इस तरह से कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं इसमें, 30 क्वेश्चन पूछा है, इसमें अटेम्प्ट करके आएंगे। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी आसान तरीके से बनाया गया है। मैं कुछ क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दूंगा और बाकी क्वेश्चन का आप जवाब अगर तैयारी किए होंगे तो आसानी पूर्वक से आप देख लेंगे। तो निश्चित चिश्ती संप्रदाय कहाँ से है, तो इसमें दिया है अजमेर, मैंने इसका आंसर खोजा है अजमेर, और गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। Caste 20, Caste 40, Caste 80 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, 1/6 आएगा इसका, मैंने सॉल्व किया और देखा यहाँ पे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप भी सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा किसका कितना आंसर आता है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और इसमें पूछा गया है TNC की स्थापना किसने किया, तो AO ह्यूमन ने किया था और यह 1885 में किया गया था, ठीक है। तो आप इसको आसानी से पता कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। और देखिए किस प्रकार से, कितने आसान तरीके से टाइप का क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें करंट के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल रिसिप्ट इन ब्लड ग्रुप, इसमें आपसे पूछा है सर्वग्राही रक्त रुधिर कौन सा होता है, तो आप लोगों को पता है कि ओ निगेटिव क्या है, सर्वदाता होता है, तो AB क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी सभी ग्रुप को लेने वाला ब्लड होता है, ठीक है, यानी दिया जा सकता है। कोशिका की खोज किसने की थी, या डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इसके माध्यम से, ठीक है, इसको आप आसानी पूर्वक से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन का उत्तर भी देते चलता हूँ और बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। सांची का स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो 1989 या यूनेस्को में किया गया, 1989 में किया गया है। सांची का स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया, यह MP का है, MP में किया गया है और सारनाथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइगर रिवर्स बाघ अभ्यारण कौन है, तो इसका आप आंसर बता सकते हैं, बाघ अभ्यारण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइगर रिवर, ठीक है। इस तरह से स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी, एक होता है पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी, एक होता है स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आप अगर तैयारी किए होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब के लिए और मुझसे जुड़े रहिए रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। मोहनजोदारो का किला कहाँ स्थित है, तो ये आप लोगों को पता है कि सिंधु की नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, GST इज विच टाइप ऑफ टैक्स, GST किस प्रकार का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट। इसमें
कितने जीएसटी के प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग मालूम है, सेंट्रल, स्टेट, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो यह इस तरह से पूछा था, इनका एक फुल फॉर्म दिया था PMKVY, तो इसका आपसे पूछा था कि यह योजना कैसी है या योजना का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें कौशल परीक्षण देखा जाता है बच्चों को, ठीक है। तो यह बहुत ही सटीक और 100% रियल क्वेश्चन मैं आपको लोग बता रहा हूँ, यह बहुत ही मतलब बहुत ही कठिनाई से हम लोगों को मिला है क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, UNO का महासचिव कौन है, तो UNO का महासचिव आप लोगों को मालूम होगा एंटोनियो गुनेरेस हैं। और एक पूछा था क्वेश्चन, जापान का पीएम कौन है, तो आप लोगों को मालूम है योशिहाइड सुगा, कौन है, योशिहाइड सुगा, ठीक है। तो यहाँ पे जापान का पीएम पूछा गया था, प्राइम मिनिस्टर आप कौन है, वहाँ पे हम बता सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन उस प्रकार से पूछा है, और करंट तो आप लगभग 2019 और 20 का दोनों देख के जाइएगा, और बहुत ही आसान तरीके से आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इसमें पूछा है कि कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो इस तरह से दिया रहेगा HTTP और ब्राउज, और इस तरह से कई प्रकार के हैं जो कंप्यूटर आप सीखेंगे उसमें बेसिक चीज़ें तो बताई जाएंगी, आप इसको देख सकते हैं। आप इसका अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत की सबसे हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह आप जानते ही हैं कौन सी है, मैंने आंसर भी दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और 17वें पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है, तो आप लोगों को मालूम है बिल डक्ट इज द रिसीवर कहाँ से होता है, तो आप बता सकते हैं लीवर यानी यकृत से, ठीक है। लाइम वाटर का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसका आप आंसर भी बता सकते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को मालूम है संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। और संविधान कब लागू हुआ था, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, संविधान के यह किसने बनाया, तो सभा ने बनाया या लिखित है, और जो होता है जो अपने मनमौलिक बनाता है उन वहाँ पे मौखिक कहा जाता है। और बोडोमास का क्वेश्चन यानी सिंप्लीफिकेशन का 5 क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान पूछा गया था, और जापान की सभ्यता से पूछा गया था क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिएगा। और परम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, यह तो आप लोग जानते ही हैं, सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का लगभग 2-3 क्वेश्चन आप पूछ ले रहा है यहाँ पे, आप इसको देख के जाएंगे, बेसिक नॉलेज है। मैंने पिछले कल वाली फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था शिफ्ट 1 में 28 दिसंबर के, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है इसमें। तो आइए दोस्तों देखते हैं, टाइम वर्क में 3 क्वेश्चन पूछा है, और डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछा है, जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको आप देख सकते हैं, अब बहुत ही आसान तरीके से और बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं, और आप इस चैप्टर को तैयार करके जाइएगा जिसका भी एग्जाम होने वाला है, और इस वीडियो को लास्ट तक पहुँचाइएगा ताकि लोगों को मदद मिल सके, और रेलवे की पल पर अपडेट के बने रहिए। इसके लिए आप चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, और आगे देखिए, आगे देखेंगे हाईएस्ट और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में से, अभी बताया मैंने 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में, तो सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे सीटिंग अरेंज से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसमें 20 से 22 क्वेश्चन लगभग करके आ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो सीटिंग अरेंज से 3 क्वेश्चन है, सीरीज से लगभग आपके मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है, और इससे क्या नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से आप 2 क्वेश्चन मिला है आप लोगों को, एनोलॉजी से 2 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे की पल अपडेट के लिए, और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को अब ग्रुप डी वाले तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। कथन निष्कर्ष से 5 क्वेश्चन पूछा गया, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इस तरह से रेलवे की तैयारी में आप जुटे रहिए और बने रहिए, और हमारी तरफ से वीडियो के लिए आप लोगों को थैंक यू।